MIUI 12.5 लॉन्च होने के बाद उसके अंदर जो शेड्यूल प्रोवाइड किया गया था उनमें बहुत कम डिवाइसेज को ऐड किया गया था, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा निराश थे। भाई इतने कम डिवाइसेज को 12.5 अपडेट मिलेगा, बाकी के डिवाइस गए तो गए कहाँ। तो उसमें ये भी बताया गया था कि जो इनका ऑफिशियल साइट है इनके ऊपर ये शेड्यूल को अपडेट करते रहेंगे, यानी और बाकी जो डिवाइसेज अभी तक ऐड नहीं किए गए हैं उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ऑफिशियल MIUI का जो 12.5 का साइट है उसे ओपन कर रखा हूँ, जिसमें सेम आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है और कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से हमें फीचर्स हमारे फ़ोन के अंदर दिखाई देते हैं 12.5 के अंदर, कुछ उसी टाइप से इनके साइट को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स के बारे में डिटेल्स मेंशन किया गया है जो कि मैंने आपको लॉन्च इवेंट में बताया था। बट हम बात करने वाले कि कौन से डिवाइस को इस बार नया ऐड किया गया है, यानी परमिशन दे दिया गया है कि भाई तुझे 12.5 मिलेगा यानी मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं साइट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो CPU और पावर कंजप्शन वगैरह को लेस किया गया था, जो कि मैंने लॉन्च इवेंट के बाद वीडियो में आपको बताया था और एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट है, जिसे आप चाहो तो खुद सर्च करके गूगल पे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे चेक कर सकते हो। बट क्या ज़रूरत है भाई, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ शो करने वाला ही हूँ। बट आप सब कुछ रीड करना चाहते हो मैनुअल तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो शेड्यूल मेंशन किया गया है फर्स्ट बैच, जिसमें कुछ खास तो ऐड किया नहीं गया था, कुछ ही डिवाइसेज थे उसमें, अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जो सेकेंड बैच है जो कि Q2 के एंड होने के टाइम स्टार्ट किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें 2-3 डिवाइसेज को ऐड कर दिया गया है, बाकी सेम सिमिलर डिवाइसेज है जैसे कि Mi 10T Lite, Mi 10 Lite, Note 10 वगैरह वगैरह, तो ये सब तो मैंने आपको बताया था। बट इसमें 2 नए डिवाइस आ चुके हैं, वो है हमारा पोको का F2 Pro और पोको X3 NFC एडिशन। जी हाँ, ये 2 डिवाइसेज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है, रेडमी का Note 9, Note 9T और Redmi Note 8 Pro, जबकि अभी तक रेडमी के Note 8T और Note 8 को ऐड नहीं किया गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइस ऐड किए गए, जबकि आप सभी को पता है कि चाइना में हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से सारे अपडेट को रोक दिया गया है। बट इनका साइट अभी तक क्लोज नहीं है, यानी इन पर भी काम किया जा रहा है, और आज के डेट में ये दोनों डिवाइसेज को ऐड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला कल परसों आफ्टर वगैरह जो भी है उनमें और डिवाइसेज यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, मे बी नोट 8 को भी मिल जाए, नोट 7 को भी मिल जाए, नोट 7 प्रो को भी मिल जाए और नोट 7 एस वगैरह को भी मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ये लिस्ट अपडेट होता रहेगा, जैसा कि उन्होंने बताया है कि टाइम टू टाइम हम अपडेट करेंगे, तो उसी तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपका डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे लिस्ट हुआ या नहीं, या फिर आप चाहो तो मैनुअल चेक भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि हर एक 12.5 से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके और भाई आपको संतुष्टि मिल सके कि हाँ रियली में अब आपको 12.5 मिलने वाला है। आप किस डिवाइस के यूजर्स हो, क्या वो डिवाइस यहाँ पे मेंशन है या फिर अभी आना बाकी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का यही था छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, इससे ज़्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, बट जैसे आएगा मैं शेयर जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।